अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दोस्तों आज की वीडियो में मैं स्पेशल मार्बल की केमिस्ट्री के हवाले से डिस्कस करूंगा। जो चीजें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये चीजें और ये सवाल मुझसे कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप पे और कॉल पे बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो मैंने सोचा कि इसी के हवाले से एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए और आप लोगों के शकों को शुबा दूर किया जाए। पहले डिस्कस करते हैं कि 470 फुट बाय फुट, 770 फुट बाय फुट और 970 फुट बाय फुट, ये अलग अलग एक एक पत्थर कितना कितना केजी है। 470 फुट बाय फुट एक पत्थर मार्बल का एक टुकड़ा, ये तकरीबन 2.6 केजी है, यानी 2.5 केजी इसका वजन बनता है। इसी तरह 770 फुट बाय फुट में एक मार्बल का पीस का वजन है 5 किलो। इसके बाद 970 वाला पत्थर 1 फुट का वजन है 10 किलो, 10 केजी वजन बनता है। अब ये बात करते हैं 1000 फुट अगर किसी का ऑर्डर है, मिसाल के तौर पर मैं 470 की बात करूंगा फुट बाय फुट, ये कितना टन बनता है। अगर हम बात करें वजन का तो ये बनता है 2.6 टन, यानी 2.5 टन इसका ओवरऑल वजन बनता है। इसी तरह अभी बात करते हैं कि 1 टन में कितना फुट मार्बल आता है। 1 टन में 360 फुट 470 में फुट बाय फुट में मार्बल आता है। अभी बात करते हैं किलो का केजी का हिसाब निकालते हैं कि मार्बल का हम केजी का हिसाब कैसे निकालते हैं। ये सो सिंपल है, जिस तरह मैंने पहले बताया कि 470 में 1 फुट का वजन है 2.6 केजी, यानी 2.5 किलो। तो अगर किसी का 1000 फुट मार्बल का अगर हम 2.6 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1000 फुट 470 में फुट बाय फुट का वजन है केजी के हिसाब से, वो है 2600 किलो, 2600 केजी का बराबर है। इसी वजह से जब गाड़ी वाले चार्ज करते हैं पंजाब या सिंध या कश्मीर, तो वो इसी हिसाब से गाड़ी वाले चार्ज करते हैं टन के हिसाब से, जितनी जगह दूर हो उस हिसाब से वो फिर वो ज्यादा चार्ज करते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है अगर जगह दूर हो, मिसाल के तौर पर कराची बहुत दूर पड़ता है और माल कम हो, इधर से कराची का 1 टन के 2500 रुपए गाड़ी वाले चार्ज करते हैं, तो 4 टन के हिसाब से कराची तो फिर पैसे बहुत कम बनते हैं। 4 टन के हिसाब से 10-11 हजार रुपए बनता है, तो फिर तो गाड़ी वाले कराची तक तो 10 हजार रुपए नहीं लेते, 10-11 हजार रुपए, 10 हजार रुपए तो फिर एक तरफ से डीजल का। इस हिसाब से अगर माल कम हो, टन के हिसाब कम हो और जगह दूर हो, तो फिर गाड़ी वाले क्या करते हैं वो फिर तूक के हिसाब लगाती है, मतलब फिर वो 30 हजार रुपए चार्ज करती है, 35 हजार रुपए तक भी वो चार्ज करती है, तो कभी कभार ऐसा भी होता है। अच्छा जी दोस्तों, अभी बात करते हैं रनिंग फुट और स्क्वायर फुट। ये सवाल भी मुझसे बहुत पूछा जाता है और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के दिमाग में और माइंड में कंफ्यूजन पाई जाती है। देखो दोस्तों, स्क्वायर फुट की अगर हम बात करें, ये तो ठीक है, सीधा साधा सिंपल है कि स्क्वायर फुट का हर चीज का जो है कीमत मालूम है। अभी रनिंग फुट क्या है, देखो दोस्तों, रनिंग फुट में साइज लेस भी नहीं है, 2 पट्टियां है, व्हाइट पट्टी और जो ब्लैक पट्टी। ये वाली पट्टी अगर आप इसको स्क्वायर फुट में लेंगे जो ब्लैक वाली, तो ये आप लोगों को पड़ेगा 470 में फुट में 65 रुपए, 65 रुपीज। जो ब्लैक पट्टियों में लेंगे रनिंग फुट में, तो ये एक रनिंग फुट 2 इंच वाली पट्टी आप लोगों को मिलेगी 3 रुपए में, 14 रुपए में, 12 रुपए। ये भी व्हाइट मार्बल की पट्टी है, अगर आप लोग व्हाइट मार्बल लेंगे ज्यारत या आगा, तो आप लोग पढ़ सकते हैं 1 फुट 70 रुपए, 75 रुपए में, 100 रुपए में पढ़ सकते हैं, जितना व्हाइट उतना ही महंगा। अगर आप लोग पट्टी रनिंग फुट में लेंगे 2 इंच वाली, तो ये पट्टी पड़ेगी आप लोगों को 18 रुपए में, 19-20 रुपए में आप लोगों को एक रनिंग फुट पड़ सकता है। कहने का मकसद ये है दोस्तों, जहाँ रनिंग फुट की बात आती है तो वहाँ पर साइज दर्ज भी नहीं है कि इसके लिए साइज बिल्कुल मुख्तस है कि भाई हाँ हर 2 इंच वाली जो है रनिंग फुट आप लोग इस तरह पड़ सकता है, नहीं, फुट का तो साइज क्लियर है, लेकिन चौड़ाई में जो है ये लाजमी नहीं, चौड़ाई 2 इंच वाली भी हो सकती है, 2 इंच, 3 इंच वाली भी हो सकती है, 4 इंच वाली भी हो सकती है चौड़ाई, और 6 इंच चौड़ाई भी हो सकती है, जितनी चौड़ाई उस हिसाब से रनिंग फुट में कीमत भी डिफरेंट हो। ये भी रनिंग फुट है और ये भी रनिंग फुट है, अब इसका साइज डिफरेंट है। ये 24 पीस है ग्रेनाइट का, 4 इंच चौड़ा और 24 इंच इसकी लंबाई है। अगर आप ये ग्रेनाइट फुट बाय फुट में लेंगे तो ये पड़ेगा 120 रुपए में फुट। रनिंग फुट में यही पीस आप लोगे तो एक फुट रनिंग में
पड़ेगा 60 रुपए में, 60 रुपए में। इसी तरह सीडू का भी यही सिस्टम है। सीडू भी अगर किसी को 7 इंच चौड़ा रेजर चाहिए, कटर चाहिए, तो उसका रेट कीमत डिफरेंस है। अगर किसी को रेजर 5 इंच की चौड़ाई चाहिए तो उसका कीमत डिफरेंट। मुझे उम्मीद है कि रनिंग फुट और स्क्वायर फुट में आप लोगों का जो कंफ्यूजन है वो दूर हो चुका होगा। चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर में लेंगे। इजाजत दीजिए।